हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रिव्यू ऑन टाइम चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे प्राइम प्ले आपकी सीरीज पहरेदार का सीजन वन का फर्स्ट एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि दो परिवार होता है जो आपस में लड़का और लड़की की जो मैरिज शादी फिक्स कर रहे होते हैं, और ये आपस में जो इनकी बात होती है वो पक्की हो जाती है। लड़का लड़की आपस में एक दूसरे से बात कर लेते हैं। जो लड़की का जो होने वाला ससुर होता है वो लड़की के फादर को समझाता है कि जो लड़की है उसकी जिम्मेदारी हम उठाएंगे और आपकी लड़की काफी अच्छी है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों की बातें पक्की हो जाती है और ये आप फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि बहू कितने इंतजार करोगे मुझे, और देखते हैं कि उस आदमी की बहू आती है वहाँ पर अपने ससुर के पास और वो वहाँ पर उसको पकड़ लेता है, दबोच लेता है, वो किस करने लगता है और सेक्सुअल सीन्स होते हैं। इनको धक्का धक उसकी ले रहा होता है और पता नहीं ये क्या रिवाज है इनका, तो वो आगे पता चलता है हमको। उनके सेक्सुअल सीन चलता है धक्का धक, और ये ससुर होता है ये इसमें काफ़ी गर्मी भरी पड़ी होती है और ये अपनी जो बहू को होता है पूरा बिस्तर पर निचोड़ देता है। तो इनके सेक्सुअल सीन्स यहीं पर ही ख़त्म होते हैं और 3-4 मिनट के इनके सेक्सुअल सीन्स चलते रहते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो शिक्षा होती है उसकी शादी हो रही होती है अपने पति के साथ, और वो उनके साथ उसके फेरे हो रहे होते हैं और आधे फेरे होते हैं। फिर उसके बाद जो पंडित कहता है कि अब लड़के के बाप को बुलाया जाए, और जो उसका ससुर होता है उसके साथ वो उसको फेरे लेने पड़ते हैं, और जो लड़का होता है वो उसको समझाता है अपनी वाइफ को शिक्षा को कि ये हमारे घर का रिवाज है, और ये मतलब पहले होता था कि जो लड़का है वो लड़की की जिम्मेदारी को उठाता था कि अपनी वाइफ की, तो और जो ससुर है इसको मतलब ससुर को भी अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अपनी बहू की। तो ऐसे वो उसको समझा के ये दोनों फेरे ले लेते हैं शिक्षा के साथ और इनकी शादी हो जाती है। और ये ऑटो में बैठ के अपने घर आते हैं अपने गांव, और वहाँ पर पहुँच कर हमें जो सारे इनको बधाइयाँ दे रहे होते हैं, और तभी हमें पता चलता है कि जो आदमी हम देख रहे थे कि वो अपने बहू के साथ कर रहा है वो इसी आदमी का छोटा भाई होता है। और वो अपने बड़े भाई से कहता है कि बड़े भाई आपके घर में भी अब बहू आ गई तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। और फिर हम देखते हैं कि ये घर में एंट्री करते हैं इसमें, तो इसी तरह ये घर में एंट्री करते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो उस आदमी की जो बहू होती है जिसकी वो बजा रहा था, वो उसको जो नई वाली जो दुल्हन होती है वो उसको नई घर में जो बहू होती है उसको समझाती है कि तुम तो काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी पढ़े लिखे भी हो, और मतलब तुम्हें काफ़ी ना मतलब मजबूत बनना पड़ेगा, और क्योंकि जो शहर की जो लड़कियाँ होती है ना वो थोड़ी ऐसी होती है, उनसे कुछ काम वाम तो होता नहीं है, और अपने पति और जो ससुर है उनको दोनों को ही खुश करना पड़ेगा। तो और जो उसकी जो शिक्षा होती है वो कहती है कि ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वो कहती है कि अभी तो तुम आई हो और तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। तो और यहीं पर इनकी बातें ख़त्म होती है और यहीं पर ही एपिसोड वन ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं कि एपिसोड टू में स्टोरी क्या कंटिन्यू होगी और क्या इनके रीति रिवाज चलता है, और जो क्या जो उसका जो भाई का देखते हैं कि जो आगे स्टोरी क्या चलती है, और जो इसके जो ससुर का जो भाई है वो अपने बहू के साथ जैसे करता है व्यवहार करता है उनके लेता है उसके सेक्सुअल सीन्स होते हैं कि वैसे ही ये ससुर भी करता है अपने बहू के साथ, और इनके क्या रीति रिवाज चलता है, जो जो इसका हस्बैंड रहता है वो इसमें इन बातों में इंटरफेयर करता है या नहीं करता। तो और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।